नियुक्त मिलेगा आपका। आर्यन जी जो काम कर रहे हैं बहुत ही प्रशंसनीय है, उनका जो थॉट है कि इंसान जब जन्म लेता है सुंदर रहता है, लेकिन जितना तक अचीव करता है वही उनका शुक्र है। और हर इंसान के जिंदगी में कुछ ना कुछ तो ऐसे अचीवर को वो जिन्होंने कुछ शिखर तक पहुँचे हैं, जो शिखर को समझा है और शिखर तक पहुँचने की कोशिश की है उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। और अटल जी के नाम से, उनके नाम लेने से ही उनको प्रणाम करने को दिल चाहता है कि उन्होंने उनके तरह शासक बहुत कम हुए हैं जो कि एक राजा की तरह हमेशा सलूक करके गए हैं कि जो राजा को करना चाहिए, राजा सभी के लिए समान होते हैं, उन्होंने वैसा ही कार्य करके गए अपने ज़िंदगी में। वो हमेशा हम लोग को याद रहेंगे और उनके नाम से सम्मान है। हमें पूरा विश्वास है कि उचित लोगों को ही मिलेगा जिन्होंने शून्य से शिखर तक पहुँचे हैं। और मेरे लिए, मेरे तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस अवार्ड के लिए। थैंक यू। ये पुरस्कार सजाने की चीज़ नहीं, मुझे भी पद्मश्री मिला है, लेकिन जब पद्मश्री मिला तब मैं समझी कि ये सजाने की चीज़ नहीं है, बहुत जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और उसके बाद मैं बहुत काम कर रही हूँ, इतना इंस्पिरेशन मिलता है कि सबको तो पुरस्कार नहीं मिलता है ना, जिनको मिलता है तो वो उन्हें उस पुरस्कार को सम्मान देना पड़ता है। उन्हें तो सम्मान किया गया पुरस्कार से, लेकिन उन्हें भी उन पुरस्कार को सम्मान देना पड़ता है अपने काम से। उस समय तक वो जितना काम किए उससे डबल ट्रिपल काम करना पड़ता है उनको। और मैं समझती हूँ जिनको जिनको मिलेगा ये पुरस्कार और वो जितना भी शिखर तक पहुँचे हो और भी ऊपर शिखर तक पहुँचेंगे, आसमान को छुएंगे इस अवार्ड को पाने के बाद, ये मैं समझती हूँ। पहले तो मैं आप सबको नमस्कार बोलूँगी, जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत अच्छा लगा, आज मैं लता जी के बर्थडे पे उनको विश करने आई थी और मुझे आज ये दिखा शून्य से शिखर तक अटल सम्मान। आपको मैं एक बात कहना चाहूँगी कि शून्य से शिखर तक ही पूरी ज़िंदगी बयां कर रहा है। और सबसे ज़्यादा ये अटल सम्मान, मतलब इंसान दृढ़ था अपनी ज़िंदगी में, एक दृढ़ विश्वास के साथ उस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ा। और ये अवार्ड जिनको भी मिलेगा, सैल्यूट टू देम एंड सीरियसली थैंक्स टू आर्यन जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो जो इस तरीके के अवार्ड शो लेके आ रहे हैं, क्योंकि अवार्ड शो बहुत होते हैं लेकिन ये जो नाम बयां कर रहा है और इसमें सबसे बड़े हिंदी शब्द यूज़ किया गया है, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा शून्य से शिखर तक। थैंक यू सो मच। लता जी, जैसे कि नाम अटल जी का नाम दिया गया है, वो भी कवि थे, आप भी कवि, और बर्थडे भी आपका है, क्या कुछ कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि अटल जी क्योंकि साहित्यिक व्यक्तित्व रहे हैं, ठीक है, और चाहे वो राजनीतिक पुरुष रहे हैं लेकिन साहित्य ने उनको महापुरुष बनाकर रखा। और ये जो टाइटल है शून्य से शिखर तक, ये भी पूरा एक साहित्यिक मालूम होता है, तो एक साहित्यिक व्यक्तित्व के साथ यही टाइटल जाता था, यही शीर्षक जाता था, और आपस में एक दूसरे जिसको पूरक बनाया है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी सोच है आर्यन जी, ये क्रिएटिविटी है, और इसको भी एक साहित्यिक रुचि का व्यक्ति ही इस तरह का शीर्षक रख सकता है और इसको अनुभव रख सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जो साहित्य लिखता हो वही साहित्यिक रुचि का हो, जो अदब नवाज हो, सुखन फहम हो, जो समझता हो अदब को, वो भी साहित्यिक अभिरुचि का होता है। और जैसा कि आर्यन जी ने बताया कि मैंने एक ऑटो वाले के वहाँ से ये शीर्षक उठाया है, तो मुझे याद आ रहा है कि हुस्न हर शय पर तवज्जो की नज़र का नाम है। तवज्जो मीन्स एक्सपेक्टेशंस और ध्यान देने को, कि हुस्न हर शय पर तवज्जो की नज़र का नाम है, बारह कांटों की रानाई ने चौंकाया मुझे। तो ठीक है, लोग अक्सर क्या करते हैं, फूलों की रौनक को देखते हैं, फूलों की खूबसूरती को देखते हैं, लेकिन जैसे कवि ने कांटों की चमक को देखा कि खार जो है, जो कांटे होते हैं वो भी कैसे चमकते हैं, तो उसको लिखने वाले को कांटों की चमक ने चौंकाया। उसी तरह से आर्यन जी को जो एक ऑटो वाले ने जब कहा और उसको वहाँ से एक शीर्षक मिला, तो ये एक बहुत बहुत गहरी सोच वाले, दूरदृष्टि वाले इंसान का है। जो गोताखोर होता है समंदर में डुबकी लगाता है, तो कोई मोती लेके आता है, कोई कुछ लेके आता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि उनसे मेरे ताल्लुकात के जो है वो मैं बाद में आपसे डिस्कस करूँगी, बाद में बयान करूँगी। बस इतना है कि चाहे पत्थर बनाओ या हीरा, उसे आदमी की मशक्क़त से पहचान है।
आदमी की मशक्कत मीन्स मेहनत से पहचान है, तो चाहे पत्थर बनाओ या हीरा, उसे आदमी की मशक्कत से पहचान है। बालों पर ही जरूरी नहीं है फकत, हौसला है तो परवाज आसान है। देखिए अभियान जी को मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं लता जी को हैप्पी बर्थडे कहना चाहूँगा। थैंक यू। बड़ी अच्छी खास मौके पे हम यहाँ पे आए हैं, और ये जो टाइटल है बड़ा खूबसूरत टाइटल है, शून्य से शिखर तक। जमाना था कि टीपू सुल्तान के सेट पर अटल जी से हम सब की भी मुलाकात हुई थी। उस जमाने में लता जी भी काम करते थे, हम लोग भी सजय खान साहब के यहाँ, अकबर खान साहब उसके डायरेक्टर थे। तो जिसने भी अपने अपने फील्ड में जिसने जो मेहनत की उसने वो मुकाम हासिल किया है, और संघर्ष के बगैर कोई भी मुकाम किसी को नहीं मिलता है। तिवारी आ चुके हैं इनके लिए नमस्कार। तो अभी हम सब ने जो कोशिश हमने सब ने की, जहाँ जहाँ तक जिसकी जो पोजीशन हमने अचीव किया, लेकिन बहुत ऐसे लोग भी हैं जैसा कि आपने जिक्र किया लता जी ने, बहुत से जो ब्लाइंड लोग हैं, बहुत से अपन लोग हैं, उन लोगों ने भी बड़ी बड़ी पोजीशन हासिल की है। तो मैं ये टाइटल के साथ साथ आर्यन जी को भी बधाई दूंगा कि ये जो अवार्ड आप दे रहे हैं, सोमा जी पूरे वर्ल्ड में इनका भी नाम है माशाल्लाह, बड़े अवार्ड से नवाजी गई हैं। तो जितने भी लोगों को आप अवार्ड देने जा रहे हैं, और ये बहुत खुशकिस्मत लोग होंगे अटल जी के नाम से अवार्ड दिया जा रहा है, हो सकता है कि इस लिस्ट में मेरा भी नाम हो। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा सम्मान है, अटल जी का जहाँ नाम लग गया, शून्य और शिखर दोनों इसमें इन्वॉल्व है, तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और बी के मिश्रा जी हैं हमारे बहुत ही अनन्य मित्र हैं, और छोटे भाई की तरह हैं, और इनके साथ हम फंक्शन पहले भी अटेंड कर चुके हैं। प्यारे आदमी हैं, लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, उसके पीछे एक प्रचार प्रसार है, हम सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जुट रहे हैं। मकसद जो भी हो, पहला मकसद तो यही है कि हम सारे इकट्ठा होते हैं, और सबको जुटना एक खुशी, जब भी फंक्शन होता है तो एक खुशी का माहौल होता है। ये खुशी देने वाले इंसान हैं, जो दूसरे को खुशी देता है भगवान उसको खुशी देता है। तो हम चाहेंगे कि ये आगे तरक्की करें और प्रोग्राम करते रहें। ऐसे ही लोग नए नए आए ऑर्गेनाइज़र, और प्रोग्राम करें, अच्छा प्रोग्राम हो। अरे सर, ये कब होने वाला है, कहाँ पे प्लान होगा, हो चुका है? जैसा कि आप सबको पुनः अवगत कराना चाहता हूँ, 27 अगस्त को भव्य श्रद्धांजलि होगी अटल जी के लिए। हम लोग विशेष कार्य करने का एक सुनहरा अवसर, हम सभी मेरे आदर्श हैं, इनके समकक्ष रहकर ये कार्य करना चाहूँगा। 27 अगस्त को ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, बहुत जल्दी आपको इसके वेन्यू की भी जानकारी प्रदान कर दूंगा। नहीं, वैसे तो 15 को है, बट हम अपने हिसाब से करते हैं। थैंक यू।